जी मेरा सवाल ये है कि अलमिया से कैसे दुआ करनी चाहिए कि अलमिया उस दुआ को जल्दी कबूल कर लें कैसी दुआ करनी चाहिए पहले तो अपनी हालत को देखना चाहिए कि क्या मैं अल्लाह ताला ने जो मुझे हुक्म दिए हैं कि ये ये करो वो उनको कर भी रहा हूँ कि नहीं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम लोग पांच नमाज़ें पढ़ो वक्त पे अदा करो तो क्या तुम पांच नमाजें पढ़ते हो अल्लाह ताला कहता है कि मेरा ज़िक्र को याद रखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करते हो अल्लाह ताला कहता है मुझसे दुनिया के बाकी हर चीज़ से ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत करो तो क्या वो मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला कहता है कुरान करीम में जो हुक्म दिए हैं मैंने करने और ना करने के उन पर अमल करो वो करते हो हैं ये सारी शराय पूरी करने के बाद अल्लाह तला कहता है मेरे से दुआ करो तुम तो फिर तुम मेरे सही बंदे बन जाओगे और जब बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ हैं अल्लाह ताला कहता है मेरे पे ईमान तुम्हारा पुख्ता होना चाहिए ये यकीन होना चाहिए कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ और अगर कोई दुआ ना भी सुनूँ तो ये समझ लो कि यही अल्लाह ताला की बेहतरी थी कि ये काम जो था मेरे लिए बेहतर नहीं था इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल नहीं किया फिर हाँ दरअसल फरमाया कि दुआ करने के लिए ज़रूरी है जब तुम अल्लाह ताला पे तुम्हारा ईमान मजबूत हो और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने वाले हो तो फिर दरुद शरीफ भेजो रसूल वसलम पे आसल ने फरमाया कि जो दुआ दरुद के बगैर होती है वो ज़मीन आसमान के दयान लटक जाती है ठीक है मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ तो दर्द शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो ये नहीं है कि एक ना बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो ना कुरान पढ़ रहा हो अपनी मर्ज़ी से अपना सारा वक्त गुजारे और जब किसी मुश्किल में पड़े तो आके सजदा कर गए कह दे दो दिन नमाज़ पढ़ के कहते अल्लाह मियाँ मेरी दुआ कबूल कर ले और उसके बाद फिर जब काम हो जाए तो फिर छोड़ दे अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोग भी हैं जो समुंदर में पानी में घिर जाते हैं और तूफ़ान उनको पकड़ लेता है तो बड़ी दुआएँ मांगते हैं अल्लाह तला हमें बचा ले बचा ले बचा ले हम तेरी इबादत करेंगे और जब खुश्की भी पहुँच जाते हैं तो अल्लाह तला को भूल जाते हैं अल्लाह ताला ने मारना हो तो भी, भी मार हफ्ते नादल कर सकता है इसलिए पहली बात तो ये है कि अल्लाह पे ईमान मजबूत करो जब ईमान मजबूत हो जाए फिर अल्लाह ताला सुनता है ये तो नहीं है किसी दोस्त को दुनियादार दोस्त को भी तुम जब दोस्त बनाते हो तो उसको उसकी बातें ना मानो और अपनी उसे मनवाई जाओ तो एक दिन वक्त वो दोस्त तुम्हें छोड़ देगा या वो दोस्त कहे कि नहीं सिर्फ मेरी बातें मानी जाओ और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम उसको छोड़ दोगे तो ये तो अल्लाह ताला से दोस्ती का मामला है दोस्ती का ताल्लुक रखो तो फिर ठीक है ठीक है फिर अल्लाह ताला सुन भी लेता है और अगर कोई दुआ कबूल नहीं करता तो फिर भी दिल में तस्किन पैदा हो जाती है दिल में सुकून पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला ने नहीं भी सुनी तो तब भी मेरे लिए बेहतर होगी आदमी फिर परेशान नहीं होता फिर फ़िक्र नहीं होती फिर डिप्रेशन में नहीं पड़ जाता इंसान ठीक है